टेंडर्स महाराष्ट्र। इस वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे। पहले तो हम लॉगिन करना देखेंगे और उसके बाद मैंने एक पेमेंट कर दिया है टेंडर का, तो उस पेमेंट को वेरीफाई करना भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मेरे पास जिस टेंडर का मैंने पेमेंट कर दिया है उसका ये टेंडर डिटेल है। यहाँ पर मुझे टेंडर आईडी मिलती है, यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर टेंडर सर्च किया जा सकता है। कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर अगर मैं गो करूँ तो ये टेंडर है जो मैंने जिसका पेमेंट कर दिया है, और इसको अभी मैं पेमेंट वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो मुझे इधर से नहीं जाना होगा, बल्कि मैं देखो यहाँ पर होम पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है। मैं यहाँ डबल क्लिक करके कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। उसके बाद मैं टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पासवर्ड है, यहाँ डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब डबल टैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यू डी एच यू टू एन। ये कैप्चा अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है, उसके बाद इंटर कर सकते हैं या फिर प्रोसीड बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ। लॉगिन बटन पे सिंगल क्लिक करेंगे। ई टोकन का पासवर्ड यहाँ डालना होता है, मेरी केस में 1 से 8 है, मैं उसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और इंटर करेंगे। ये हमने देखा लॉगिन करना। अब मैं यहाँ माय टेंडर्स पे क्लिक करता हूँ। जिस टेंडर का मुझे पेमेंट वेरीफाई करना है ये वो टेंडर है। देखो यहाँ पर भी मैंने उसे ओपन करके रखा है। यहाँ पर व्यू पे सिंगल क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो स्क्रॉल डाउन करके मैं बॉटम पे आता हूँ, कंटिन्यू बीडिंग करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है, तब भी यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो इसे पेमेंट को कैसा वेरीफाई करते हैं आज वही देख रहे हैं हम। इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे, SBI बैंक के ऊपर यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है, पेमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए वेरीफाई का बटन आ चुका है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ नेक्स्ट करूं तो देखिए यहाँ से ये बटन अब जा चुका है, यानी मेरा पेमेंट वेरीफाई हो चुका है।